माइलेज सेट करने से पहले इंजन पूरी तरह गर्म होना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह मैकेनिक। आज आप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्लैटिना BS6 में माइलेज कैसे सेटिंग किया जाता है। बिल्कुल कंपनी जैसा माइलेज आने लगेगा फिर से। अगर आपके बाइक के कार्बोरेटर में कोई भी आदमी छेड़छाड़ कर दिया है उसके बाद माइलेज नहीं आता है, तो आप इस तरह का मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप करेंगे तो आपके बाइक का माइलेज फिर से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BS6 बाइक है, जिससे ये प्लैटिना बाइक है और इसका माइलेज बहुत ही कम देता है। और ये लगभग 4 सर्विस इसकी हो चुकी है लेकिन माइलेज इसका पूरी तरह नहीं आया है। इसका माइलेज लगभग 40 से 45 की एवरेज दे रही है। तो इसको हम कैसे सेटिंग करेंगे आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो माइलेज सेट करने से पहले आप इंजन को पूरी तरह गर्म कर लें या चलाकर खड़ा करें हैं तब माइलेज सेट कर लें, यानी इंजन गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी माइलेज सेटिंग किया जाता है। ये प्लैटिना BS6 बाइक है, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना होगा कि इसमें एयर मिक्सचर स्क्रूप और RPM स्क्रूप कहाँ होता है जिससे हम माइलेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कार्बोरेटर में जिधर ये पेट्रोल भाल लगा होता है उस साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बोरेटर है साथ में यहाँ पे, और कार्बोरेटर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, ये स्टार जैसा स्क्रू दिया हुआ है, इसके अंदर ही एयर मिक्सचर स्क्रूप होता है। अब आपको इसके दूसरे साइड आपको RPM स्क्रूप मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये RPM है, यहाँ पे ये स्क्रूप हो गया। इसको टाइट करेंगे तो ये RPM बढ़ता जाएगा, जैसे हम एक्सेलेटर ऐसे घुमाते हैं तो ये देखिए यही है RPM कम और ज़्यादा करने के लिए। तो इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो RPM बढ़ जाएगा। तो चलिए हम पहले एयर मिक्सचर स्क्रूप जो है उसको खोलते हैं और उसको देखते हैं अंदर स्क्रूप है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने खोल दिया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रूप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सामने बिल्कुल स्क्रूप दिखाई दे रहा है। तो ये स्क्रूप है इस एयर मिक्सचर स्क्रूप का। तो इस तरह ये स्क्रूप खोलेंगे तो आपको अंदर एक पेचकस के द्वारा घुमाने वाला स्क्रूप और मिल जाएगा जो ये एयर मिक्सचर स्क्रूप है। तो हमें करना क्या है कि ये एयर मिक्सचर स्क्रूप है इसको पूरी तरह बंद कर लेंगे। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं पहले। ये बंद हो गया, अब बंद हो गया। अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। किक मारना पड़ेगा, चलिए हम किक मारते हैं बाइक को। इसके बाद हम RPM स्क्रू को इसको सेट करेंगे। तो पहले हम किक मार के आपको दिखाते हैं। हमने किक मार लिया, अब ये जो RPM स्क्रू है इसको हम ज्यादा करेंगे। ये ज्यादा हो गया, अब चलिए एयर मिक्सचर स्क्रू के पास। अब ये एयर मिक्सचर स्क्रू है इसको धीरे धीरे खोलेंगे। अब जैसे जैसे खोलेंगे इसका RPM बढ़ेगा। चलिए इसको खोलते हैं।
देखिए इससे आरपीएम डाउन होने लगा, तो हमें आरपीएम डाउन नहीं करना है, जहां हमें फुल रेस मिल रहा है वहां पे छोड़ देना है। यहाँ पे फुल आरपीएम हो गया है। इस तरह ये आरपीएम जो कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में आप इस आरपीएम स्क्रू को 3 राउंड आप खोल सकते हैं। 3 राउंड पे फर्स्ट क्लास माइलेज देता है, इस तरह आप माइलेज सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आरपीएम स्क्रू है उसको हम कम कर देंगे और इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह होता है BS6 का जो का माइलेज सेटिंग होता है, उसको इस तरह माइलेज सेट करते हैं। अब इस स्क्रू को हम यहाँ पे फिर से टाइट कर देंगे, तो इस तरह अब माइलेज ये अच्छी तरह माइलेज देगा। अगर आपके पास माइलेज सेट करना नहीं आता है तो आप केवल इस एयर मिक्सर स्क्रू को 3 चक्कर यानी 3 राउंड आप खोल देंगे, उतना से माइलेज सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।